व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज़ बिलाल। इन दिस लेक्चर वी लर्न अबाउट कार्ड इन बूटस्ट्रैप 4। जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम देखेंगे कार्ड को। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस देखें, हमारे पास जो कार्ड की जो क्लासेस हैं वो है कार्ड, कार्ड इमेज, कार्ड बॉडी, कार्ड हेडर, कार्ड टाइटल एंड टेक्स्ट एंड देन फुटर। तो गाइस इन सब का हम यूज़ देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ कार्ड और एचटीएमएल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर एचटीएमएल का स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ और जो सीडीएन लिंक है बूटस्ट्रैप का बाय यूजिंग मैं पैकेज सब्लाइम पैकेज के थ्रू मैं एडअप करूँगा, ठीक है। सेव एंड देन गाइस यहाँ पर जो है क्लास जो मैं यूज़ करूँगा क्लास बीजी सेकेंडरी, ठीक है। बीजी सेकेंडरी ये सक्सेस नहीं सेकेंडरी, ठीक है, ठीक है। सेव इट और यहाँ पर जो है गाइस मैं एक हेडिंग देता हूँ H1, ठीक है, और बूटस्ट्रैप कार्ड, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं क्लास देता हूँ, टेक्स्ट जो है वो सेंटर में हो जाए, टेक्स्ट जो है वो वाइट हो जाए, बीजी डेंजर, पैडिंग जो है वो गाइस 3 हो जाए। सेव इट, ओके। अगर गाइस मैं रिफ्रेश क्यों करके मैंने ओपन ही नहीं किया इसको, ओपन करूँ ब्राउज़र में तो ये देखें इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और गाइस अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं एक डिव लेता हूँ क्लास कंटेनर एंड देन गाइस यहाँ पर मैं एक जो है डिव, यहाँ पर जो है हमारा कार्ड का जो पोर्शन शुरू हो जाता है डिव क्लास, और यहाँ पर जो क्लास है वो कार्ड अप्लाई करनी है आपने, ठीक है। तो क्या अप्लाई करेंगे, कार्ड, ठीक है। उसके बाद गाइस देखें हमारे पास यहाँ पर जो है कार्ड की जो इमेज है, इमेज जो आपने अप्लाई करनी है, तो इमेज के लिए मैंने एक फ़ोल्डर है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ डॉट और यहाँ पर जो है IMG का फोल्डर, ठीक है। उसके अंदर जो है मेरे पास एक इमेज पड़ी है .jpg के नेम से, ठीक है। सेव और गाइस यहाँ पर जो है अपने क्लास जो ऐड करनी है कार्ड इमेज, ठीक है। सेव। अगर गाइस मैं इसको ओपन करूँ तो आपको अभी इमेज बहुत बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। तो हम इसको सेट करते हैं, तो मैं यहाँ पर स्टाइल यूज़ करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर आता हूँ तो इसकी जो विड्थ है मैं स्टाइल विड्थ जो है इसकी मैं करता हूँ 250 पिक्सल। सेव इट, रिफ्रेश करूँ तो अब ये कार्ड की जो यानी कि जो हाइट वेट है वो सेट हो चुकी है, ठीक है। तो गाइस अब जो है मैं नीचे आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर गाइस सबसे पहले मैं एक डिव लूँगा, ठीक है, क्लास कार्ड बॉडी। तो गाइस कार्ड बॉडी के अंदर जो है सब कुछ हमारे पास आ जाता है, कार्ड बॉडी मेन के बॉडी के अंदर हमारा हेडर आएगा, टेक्स्ट आएगा, ठीक है, टाइटल आएगा एंड देन गाइस फुटर भी हमारे इसी में ही शो होगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करूँगा यानी कि कार्ड टाइटल की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ H4 एंड बल्कि H3 कर लेते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर लिखता हूँ मैं अपना नेम राव या माई टाइटल, टाइटल सेव एंड देन गाइस H4 जो है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ कि माई एस राव बिलाल, सेव इट। और यहाँ पर जो है नीचे आप जो है इसके अब जो क्लासेज जो है वो एडअप करूँगा मैं क्लास, और ये टेक्स्ट ये हमारे पास कार्ड टाइटल था, टाइटल, और ये जो है गाइस कार्ड टेक्स्ट है क्लास कार्ड टेक्स्ट, सेव इट। अगर गाइस मैं रिफ्रेश करूँ तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। ये टाइटल आ गया आपका, ठीक है, ये आ गया आपका जो यानी कि जो भी टेक्स्ट था आपका, ठीक है। एंड देन गाइस नीचे जो है मैं एक बटन जो है क्लिक करूँगा BUT बटन सबमिट एंड देन गाइस जो है यहाँ पर मैं कहता हूँ कि बटन, और यहाँ पर जो है मैं क्लास ऐड करूँगा क्लास BTN प्राइमरी कर देते हैं। सेव, रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें बटन जो है हमारा क्रिएट हो चुका है इस तरीके से। तो अगर गाइस इसको हम करें सेंटर में सबको, तो सेंटर में भी हम इसको कर सकते हैं। तो कार्ड की बॉडी में आइएगा यहाँ पर और टेक्स्ट सबको टेक्स्ट सेंटर कर देना है। सेव, जितने भी कुछ है गाइस कुछ वो है सेंटर में आपको शो होगा इस तरीके से। तो गाइस अब हम बात करेंगे कार्ड हेडर की एंड फुटर की। तो यहाँ पर जो है गाइस यहाँ पर अगर हम बात करें कार्ड हेडर की,
तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपना नेम राव बिलाल, ठीक है, ये हेडर होगा हमारा, ठीक है, क्लास कार्ड हेडर, सेव इट। अगर रिफ्रेश करूँ तो गाइस देखें ये एक बॉक्स होगा और बॉक्स के अंदर जो है मेरा नेम है, ठीक है, इस तरीके से आपको शो हो रहा है। और फुटर में जो है गाइस वो फुटर भी ऐसे ही है, ठीक है। मैं नीचे आता हूँ यहाँ पर और मैं यहाँ पर लेता हूँ गाइस H4, ठीक है, और यहाँ पर इस क्लास सेटअप करता हूँ कार्ड फुटर, ठीक है, सेव इट। और यहाँ पर लिखता हूँ लाइक एंड शेयर, ठीक है, सेव। अगर रिफ्रेश करूँ तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो गाइस अगर आप कार्ड को बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर जो है करूँ अप्लाई कार्ड, कहाँ गया बॉडी, ये है बॉडी, तो यहाँ पर मैं यहाँ BG अगर मैं सक्सेस करूँ, सेव इट, रिफ्रेश, जो भी कलर आप देना चाहते दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखें कार्ड का जो कलर है वो बैकग्राउंड कलर वो भी चेंज हो गया है। अगर आप इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हैं वो भी टेक्स्ट WHIT वाइट, सेव, रिफ्रेश, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अगर इसको आप चाहते हैं कि ये यानी कि डिस्प्ले ब्लॉक कर दें हम बटन को, अगर मैं कहता हूँ मार्जिन ऑटो, तो ऐसे सेंटर में है ये, एंड डिस्प्ले ब्लॉक, सेव इट। अगर डिस्प्ले ब्लॉक कर दूँ तो अगर ये रिफ्रेश करूँ तो गाइस बटन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो खैर ठीक है, और चलें सही है, इसको रहने दें, ठीक है। अगर गाइस मैं यहाँ से करूँ टेक्स्ट सेंटर, यहाँ से ख़त्म कर दूँ, और अब अगर मैं यहाँ पर मार्जिन ऑटो एंड डिस्प्ले ब्लॉक करूँ, तो सेव करूँ, तो रिफ्रेश करूँ, तो देखना अब जो है ये जो बटन जो है वो सेंटर में आ चुका है, ठीक है। तो अब क्योंकि वहाँ पर ऊपर हमने अप्लाई किया हुआ था इसलिए वो सेंटर में नहीं शो हो रहा था आपको, ठीक है। तो अगर सेंटर में करना हो सिंपल इसको, तो फिर आप इसको मार्जिन ऑटो देंगे, क्योंकि टेक्स्ट सेंटर तो नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो ये आपको ऐसे शो हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसको अंडो कर देता हूँ, ठीक है, सेव। तो गाइस ये थी हमारे पास इसकी कार्ड की क्लासेस। एंड देन गाइस अगर आप ये इमेज है, अगर ये आपके पास टॉप में, अगर आप कहते हैं बॉटम में शो हो, तो उसके लिए सिंपल है गाइस कि देखें ये हमारा है कार्ड, ठीक है, कार्ड। एंड देन गाइस ये इमेज जो है ये कार्ड के अंदर रहनी चाहिए, इसको यहाँ से कट करें, ठीक है। और ये जो है इसको यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना और सेव कर दें। सेव करने के बाद रिफ्रेश करें तो देखिए इमेज जो है हमारे नीचे आ चुकी है। तो गाइस ये है हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर कार्ड। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।